अच्छा है सब, भगवान का दिया सब कुछ है, धन है, दौलत है, इज्जत है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। अब मुझे लटका देंगे, जुबाना इसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार लेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे। तुझे विलोम यानी उल्टा शब्द पता है? हाँ। ठीक है, बताना सच। झूठ। खूबसूरत। खूबसूरत। अच्छा। गुरा। सोना। चांदी। गलत हो गया। सही हो गया। अरे सच में गलत हो गया? अरे सच में सही हो गया। तू बेवकूफ है क्या? तू होशियार है क्या? अरे तू पागल है क्या? तू नॉर्मल है क्या? अरे यार, ये तो सही है। थैंक यू गर्ल्स। कितने दिनों से यार जा रही है? रोमियो के साथ। हाँ, रोमियो के साथ मैं 2017 से ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ। सोशल मीडिया पर जहाँ तक आप बात करें तो पिछले 3-4 साल से, मतलब 19-20 से एक्टिव रहा। टिकटॉक के समय में मैं टिकटॉक पे ही वीडियो डाला करता था, और बाकी यूट्यूब वगैरह पे व्यू ही नहीं आते थे, फेसबुक पे व्यू ही नहीं आते थे, और इंस्टाग्राम से तो मेरा थोड़ा रिलेशन ही नहीं था, तो मैं बिल्कुल नहीं, बस टिकटॉक पे बनाया करता था। 1 मिलियन कंप्लीट हुए, टिकटॉक को मोदी जी ने बैन कर दिया। टिकटॉक बैन है? ऐसा थोड़ी बोलते हैं। तो कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, प्यारे देशवासियों, चाइना का ये जो भारतीय युद्ध को परेशान किया हुआ है, आज से इस ऐप को बैन किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जो छपड़ीपना हो रहा है, जो वल्गरिटी हो रही है, लोग इसके खिलाफ भी थे कि नहीं टिकटॉक बैन होना चाहिए, टिकटॉक बैन होना चाहिए, लोग आवाज़ उठा रहे थे। अरे यार, उस पर टैलेंटेड लोग भी हैं यार, मुझे बड़ा दुख हो रहा था, क्यों बैन करवा रहे हो, क्यों बैन करवा रहे हो। कैसा लगा उस समय? अरे भाई सोचो, एकदम एक मिलियन। हाँ, आज 1 मिलियन हुए हैं, परसों बैन। सोचो कितना बुरा लगा होगा मुझे, और जो लोग आवाज़ उठा रहे थे, मेरे कॉन्टैक्ट वाले भी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या किया, एक घर था जिसमें छपड़ी भरे हुए थे, टैलेंटेड लोग भी भरे हुए थे, आपने क्या किया, उस घर को तोड़ दिया। अब लो संभालो, अब छपड़ी हर जगह पहुंच गए, हर प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। बिग बॉस में छपड़ी से याद आया, रोमियो जी बिग बॉस में कब जाएंगे? पता नहीं, ऊपर वाले की रहमत कब होगी, हम लोग भी जाएंगे। हाँ, और जीत कराएंगे। हाँ, बिग बॉस ने एक चीज़ अच्छा किया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी जगह दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम अपने फील्ड में सही जा रहे हैं, अगर सही से मेहनत किया जाए। अगर मेहनत कुछ नहीं, सही से लड़ाई करो, झगड़ा करो, गाली गलौज दो, कंट्रोवर्सी में आओ, फिर तुम बिग बॉस में जाओगे। ऐसे जो सोच रहे हो कि अच्छे अच्छे वीडियो बना कर जाएंगे, तो भूल जाओ। क्या गलती होगी? कंट्रोवर्सी वालों को ज़्यादा बुलाया जाता है उसमें, वैसे लोगों को ही बिग बॉस बुलाते हैं जो लड़ाई झगड़े करते हैं। रोमियो जी को खुला छोड़ दीजिए, लड़ाई झगड़ा करके। ये बात कही आपने साहब? क्या मेरे को छोड़? नहीं यार, अभी ऐसा लड़ाई वो उन्होंने कहा सही है, लेकिन हम लोग ऐसे अच्छे व्यक्ति, हम लोग लड़ाई नहीं करते ना। लेकिन एक दो का सर खोड़ दूंगा। हाँ, बोलेगा मंकी ने, रोमियो ने सर खोड़ दिया। फिर हम को बस बुलाएंगे। कैसा लगा आइडिया? गंदा। इसको समझ में नहीं आया, समझे? हाँ, इसको समझ में नहीं आया। अच्छा, कंट्रोवर्सी में वैसे हम पढ़ते नहीं है यार, हमें हमारे फैमिली वाले, हमारे पापा मम्मी समझाने लगते, इस तरह का वीडियो मत डालो, इससे कंट्रोवर्सी होगी। उन्हें कौन समझाए, यही तो चाहिए, यही चाहिए। अच्छा, आप पहले ऑर्केस्ट्रा में भी शो करते थे? जब आप एंकरिंग करते थे उस समय नाच गाने होते थे, पब्लिक का रिएक्शन, और अब जब आप इस तरह की वीडियो बनाते वो रिएक्शन, दोनों में पब्लिक की आंखों में क्या दिखता था? पहले जब मैं ऑर्केस्ट्रा के शोज़ किया करता था, तो वहाँ पर भी 1-2% ऐसे होते थे जिन्हें रियल टैलेंट देखना है, जिन्हें राजसोनी को देखना है। आज 0.1%, 2% या 1% कह लें ऐसे हैं जिन्हें शायद ही राजसोनी को नहीं देखना है। उस समय मुझे, जब वो बोलते हैं ना, जिसका नाम हो जाता है ना, उसका उसको फिर बहुत ज़्यादा क्वालिटी देने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं उस वक्त क्वालिटी देता था, फिर भी लोगों को पसंद नहीं आता था, मतलब पसंद आते थे लेकिन उनको पहले डांस चाहिए भाई, ऑर्केस्ट्रा मतलब डांस, ऐसा वाला ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा, सिंगिंग वाले भी ऑर्केस्ट्रा होते थे।
तो वहाँ पर भी मेरी बातों को बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता था कि कई बार ना मुझे बोला जाता था इनको इनको हटाइए ना, डांस करवाइए ये वो करके। अब डिफरेंस ये है कि अब लोग बोलते हैं डांस हटाइए ना, राज सोनी को बुलाइए, राज सोनी कब आएगा, राज सोनी का एंट्री करवाइए। और पहले से लोगों को पता होता है, वो आके मुझे बता रहे हैं भैया मैंने आपके सारे वीडियोज़ देखे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, पता राज सोनी आ रहा है, राज सोनी आ रहा है मेरी वजह से। हाँ यार तेरी वजह से, तो ये डिफरेंस है। और इसके लिए मैं हमेशा मैंने कहा कि मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं हमारे दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्या एंकरिंग में क्या कहते थे जब ऑर्केस्ट्रा की, किस तरह की एंकरिंग करते थे? एंकरिंग मैं मिमिक्री वगैरह करता था या कुछ शायरी वगैरह सुनाता था इस तरह से। मिमिक्री सुना दीजिए। अच्छा ठीक है, जैसे नाना पाटेकर जी का अक्सर जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं वो करते हैं। दादा पाटेकर जी का नहीं है? दादा पाटेकर नाना पाटेकर ही है। अच्छा हाँ, तो उनका जैसे अंदाज मैं लोगों के बीच पेश करता था। अच्छा ये भी एक मज़ेदार बात बताता हूँ, पहले सुनाता हूँ। तो मैं एक जगह गया, वहाँ पे मैंने बोलना शुरू किया, जैसे नाना पाटेकर जी ने क्रांतिवीर आई थिंक उसमें कहा है अच्छा है सब, भगवान का दिया सब कुछ है, धन है, दौलत है, इज्जत है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए, अब मुझे लटका देंगे, जुबाना इसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार लेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। अरे तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। गस गस हो गया सारा क्रेडिट ले जाएगा क्या? तो मैं आपको लोगों की सोच का ये बताता हूँ कि हमारे फील्ड में कितना चैलेंज है। तो एक आदमी बोलता है अरे क्या यार, जो मिमिक्री वाला आता है यही सुनाता है यार। उनको नया सुनना है, हमारे लिए चैलेंज ये है कि आपने एक बार मेरा जोक सुन लिया, आप बोलोगे अगले मंच पे भी यही सुना रहा है, ठीक है। और कई बार डिमांड होता है कि भैया वही वाला जोक सुना जो हमने वीडियो में देखा है। अब हमारे लिए चैलेंज क्या, नया। और जो सिंगर आ रहे हैं वो अगर अपना कुछ क्रिएशन सुना दें, ये गाना कभी नहीं सुने, वही सुनाइए ना शब्बीर कुमार का, वो सुनाइए ना उसका तो ये हम दोनों में अंतर है। उस आदमी ने ये नहीं देखा कि इसको करने, ये सबके वश की बात नहीं है, सिंगिंग भी सबके वश की बात नहीं, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन मिमिक्री भी बहुत यूनिक टैलेंट है। तो हमारे फील्ड में चैलेंज रहता है। अभी जैसे मैं कभी कभी अजय देवगन की भी आवाज़ें पहले भी सुनाता था, तो अजय देवगन साहब जैसे बोलेंगे अबे तो अपरो रे लोटा खैरो बे का आदम था, अबे तो अपरो रे लोटा खैरो बे का आदम था, और मेरी किस्ती वही थी डूबी जहाँ पानी ही कम था। तो साले वहाँ गया ही क्यों था? चुप रहे। हाँ जैसे अच्छा मुझे हाल ही में तेज प्रताप यादव जी ने अपने घर पे बुलाया था, लालू जी के सामने पहली बार मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। तेज प्रताप जी, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि बाय नेचर और एज एन आर्टिस्ट मैं आपसे ये बोलूँ कि तेज प्रताप जी बहुत अच्छे विचार के व्यक्ति हैं। मैं पॉलिटिकल इस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं पर्सनली उनके बारे में बता रहा हूँ। यस, तो वो आर्टिस्ट को बहुत वैल्यू देते हैं, उन्होंने मेरे साथ भी वीडियोस बनाए, उन्होंने लालू जी से मुझे मिलवाया, लालू जी ने क्या कहा बता ना, मेरी तारीफ की थी ना उन्होंने, बता ना हाँ बता रहा हूँ, नहीं बता ना, बता रहा हूँ यार। लालू जी ने कहा बंदरवा बड़ा अच्छा बोलता है लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, उन्होंने बंदरवा बोला, प्यार से बोला ना, आप प्यार से बोला, हम भी तो प्यार से बोल रहे हैं, इतना प्यार नहीं चाहिए आपका वो लालू जी है। हाँ लालू जी, तो उन्होंने भी फिर राबड़ी जी ने बहुत तारीफ की और बोले ऐसे ही बिहार का नाम रोशन कीजिए, तो इस तरह की बातें। तो अच्छा लगता है जब आपके वीडियोस को देखकर इतने बड़े पॉलिटिशियन ये आपसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि आओ हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो ये अचीवमेंट है। रियल टैलेंट और रियल टैलेंट दोनों में डिफरेंस क्या है? अब जब वायरल हुए हैं तो आपकी तरह और लोग भी कंटेंट बना रहे होंगे, रोमियो को भी पैदा कर लिया होगा साइड से हाँ बिल्कुल। आप चुनौतियाँ, मैं कहता हूँ कि मेरे फील्ड से ज़्यादा आपके फील्ड में है। आप देखो जिनको बोलना नहीं आ रहा, अभी आपसे मिला, गुलशन जी से मिला, क्या सवाल का एक तरीका जो है वो आप लोग के पास है। मैं तो ऐसे ऐसे जो है मीडिया कर्मी से मिला हूँ जिनको पूछना नहीं आ रहा, जिनको पता ही नहीं मुझे पूछना क्या है, वो भी आपके फील्ड में और भीड़ लगी है आपके फील्ड में, उसी तरह मेरे फील्ड में अभी हो रहा है।
मैं रोमियो के साथ वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को लग रहा है यार पैसे कमा रहा है, उनको सिर्फ पैसा दिख रहा है, उनको नेम फेम दिख रहा है कि यार मुझे भी ये करना है। वो उन्होंने मेरे इसके पीछे का 10 साल 12 साल नहीं देखा उन्होंने कि इसने किस तरह से इसको अपने लाइफ में लाया, कैसे कितनी मेहनत है इसमें। ठीक है, वो उन्होंने ऐसा किया, वो कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट है, लेकिन मैं अपने आप को और मजबूत कर रहा हूँ। अभी जैसे मेरे साथ रोमियो रहता है और इसकी गर्लफ्रेंड है, तेरी गर्लफ्रेंड है वो जूलियट? हाँ, मेरी नहीं है गर्लफ्रेंड भाई साहब, मतलब जूलियट है, एक और मंकी है, लेडी मंकी है, उसको रखता हूँ। मुझे सिर्फ लड़कियों से बातें करना अच्छा लगता है। अपने प्रजाति के नहीं? ये सब मैं तुम लोगों की प्रजाति का हूँ। अच्छा, तो वो जूलियट को मैंने लाया अपने इसमें, मेरे साथ एक जो है तोता, तोता मिट्टू, हाँ मिट्टू होता है, मिट्टू होता है, चीतू, 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 हाँ चीकू भी है। तो अलग अलग जब जब मौका मिलता है तो अलग अलग चीज़ों को रखता हूँ, ताकि हाँ ताकि आपकी फील्ड में भी चुनौतियाँ बढ़ेंगी, आप अपने आप को डेवलप करते हो, मेरे फील्ड में चुनौतियाँ बढ़ें, मैं अपने आप को मजबूत कर रहा हूँ। भारी नहीं लगता इसे लटका के घूमते हैं, बोझ नहीं लगता? अरे भाई ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे अच्छे लगते हो ना दोस्त। अच्छा, भारी है? बिल्कुल नहीं, मैं भारी लगूंगा तो ये भारी किसका होगा? हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल भारी नहीं लगता, और ये जब तक रहता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। चला जाऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, भाई भाई। तो बिल्कुल, ये जैसे कहते हैं ना कि एक राजा के लिए सर का ताज होता है, बस वो मेरे लिए सर का ताज है। सर पे रखूं? सर पे आ जाऊंगा? नहीं नहीं, सर पे नहीं आ जा। और इसकी नटखट बातों में, इसके हरकतों में ही लोगों को मज़ा आता है और मुझे भी मज़ा आता है, आप यकीन मानो मैं खुद इससे बातें करता हूँ। हर कलाकार का एक सपना होता है, आपका सपना क्या है? ऑस्कर। ऑस्कर? चुप रहे यार, यार बस कर क्या? ऑस्कर कहने तो नहीं। हाँ यार, मैं एक्टिंग भी करता हूँ, तो एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़ना है, और मेरा बिल्कुल ये सपना है कि मैं इंडिया को प्रेजेंट करने का कभी मौका मिले मुझे तो वो मैं करूं, बड़े बड़े टीवी शोज़ में आकर लोगों को हंसा पाऊं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मेरे लिए भी कुछ, आप दोनों का वायरल मोमेंट है? हाँ। कोई डायलॉग है तो एक एक वायरल है, मुझे लगता है 200 million+ व्यू है इस पर, हम दोनों का एक जोक, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि रोमियो, तुझे विलोम यानी उल्टा शब्द पता है? हाँ। ठीक है, बताना सच। झूठ। खूबसूरत। बदसूरत। अच्छा। गुरा। सोना। चांदी। गलत हो गया? सही हो गया। अरे सच में गलत हो गया? अरे सच में सही हो गया। तू बेवकूफ है क्या? तू होशियार है क्या? अरे तू पागल है क्या? तू नॉर्मल है क्या? अरे यार ये सच में गलत बोल रहा है तू। अरे यार ये सच में सही कह रहा है तू। अरे तू जा। अरे तू जा। गजब। तो खबर कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताए।